जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक 45 अध्याय का 22वें वचन। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओगे, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। यहां प्रभु कहता है, सारे लोगों को कहता है, मेरे ओर आओ, मेरे पास आओ, मुझे देखो, मैं सारे चीज को आशीष को दूंगा। परमेश्वर की ओर से हमें क्या आशीष मिलता है? सबसे पहले इस वचन पर ध्यान दीजिएगा, ये दूर दूर के देश के रहने वाले, यानी सारे देश के रहने वालों को परमेश्वर बुलाता। आप किसी भी देश में रहें, कोई भी भाषा बोले, कोई भी कार्य करें, लेकिन परमेश्वर यहाँ निमंत्रित करता है, ये सारे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूर दूर के देश के लोग मेरे पास आओ, और कहता है मेरे ओर फिरो, यानी परमेश्वर की ओर हमें फिरना है, प्रभु के पास आना है। प्रभु कहता बुला रहा और परमेश्वर की ओर हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हमारी बुरी चाल चलन को छोड़ के, हमारे सारे बातों को छोड़ के और पुरानी जिंदगी को छोड़ के हमें यीशु के पास आने की आवश्यकता है। यीशु के पास आके आने से परमेश्वर जरूर हमारे उद्धार करेगा। दूसरा कहता है मेरी ओर देखो, यानी कहीं से भी है, कहीं आप रहते हैं, परमेश्वर की ओर ताकने की आवश्यकता है। इस दुनिया के कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप कार्य करते हैं, लेकिन आपको विश्राम नहीं है, दुख में है, परेशानी में, बीमारी में है, तकलीफ में है, कुछ भी दिक्कत है, लेकिन आपको परेशान से आपको आजादी नहीं मिली है। जब उस नाव पर चेला यात्रा कर रहे थे, आंधी और तूफान आया था, आंधी और तूफान में डूबने के जैसे, मरने के जैसे प्रभु की ओर उन्होंने चिल्लाने लगे, यीशु मसीह को उन्होंने बुलाया, यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुआ है, उनके बीच में उपस्थित हुए और वहां समुन्दर की लहरों को थामा, आंधी और तूफान को थामा, और जो झेले थे वहां तड़प रहे थे, उस झेले के हाथ पकड़ के समुन्द्र में रास्ता बना के प्रभु यीशु मसीह उनको अगुवाई किया है। जी हाँ मेरे प्यारों, आज किसी भी तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, कर्जा की आवश्यकता में है या बीमारी में है, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और प्रभु यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। बुलाने वाले सारे लोगों के यीशु मसीह उत्तर देके उनके जीवन में जरूर अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।